नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस में पारा शिक्षकों का जो काला झंडा दिखाने की कार्यक्रम था पहले से, वो वहाँ पर बड़ी संख्या में पारा शिक्षक पहुँच गए थे, लेकिन इसके बाद लाठी चार्ज हुआ है और कई पारा शिक्षक यहाँ पर घायल हुए हैं। रांची में जो खबर है हमारे पास कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैयार की गई थी, उन्हें पहले से अंदाजा था कि पारा शिक्षक आएंगे और इसी कारण से एक व्यवस्था कर दी गई थी। और पहले तो सुबह में जितने भी पारा शिक्षक पहुँचे थे, अधिकांश लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे प्रखंड स्तर पर गिरफ्तारी हुई थी, जो प्रदेश में अलग अलग स्थान पर नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे ही काला झंडा दिखाने की तैयारी हुई, तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई पारा शिक्षक यहाँ पर घायल हुए हैं। सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया पारा शिक्षकों को, इसे लेकर पारा शिक्षकों में उबाल है। और पारा शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा है कि वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पारा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, उसे दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद तुरंत ही ये चीज़ें सामने आ गई। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सरकार की ओर से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी, कम से कम जो लोग टेट पास हैं उनके लिए किया जाएगा, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। कार्यक्रम चला, लेकिन शीघ्र ही पारा शिक्षक काला झंडा दिखाने लगे। लगभग हमारी जो सूचना इसके मुताबिक, बहुत कड़ी चेकिंग के बावजूद भी 30 से 35 हज़ार पारा शिक्षक जो थे वो रांची पहुंच गए थे। हालांकि सारे बस में चेकिंग किया जा रहा था और अब देर शाम को कई पारा शिक्षकों को उसका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड वगैरह देखकर छोड़ा जा रहा, लेकिन पारा शिक्षक संघ के सभी नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अनिश्चितकालीन बंदी कर देंगे, हड़ताल करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष जो थे सुमित तिवारी, उन्हें 4 दिनों तक लगातार बोड़ाम थाना में रखा गया और आज 15 नवंबर को लगभग 3:30 बजे के आसपास उन्हें थाना से रिहा किया बॉन्ड भरवाने के बाद में। तो ये जो हम तक सूचना आ रही है इसके मुताबिक है कि लगातार पारा शिक्षक का जो आंदोलन था ये और भी बड़ा होगा और सारे शिक्षक जो हैं वो हड़ताल पर चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और आर पार की इस बार लड़ाई होगी। हालांकि ये पहले से अंदाज़ा लगा दिया गया था कि पारा शिक्षकों के इस तेवर को देखते हुए सरकार ने कहा था कि जिन्हें जो लोग वहाँ शामिल होंगे उन्हें नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अब ये जो सूचना आ रही है हम तक कि पारा शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल हुए हैं। आप जो तस्वीर इस समय में आप देख रहे होंगे लगातार अपने स्क्रीन पर कि बड़ी संख्या में पारा शिक्षक घायल हुए हैं, लाठीचार्ज का आदेश दिया गया, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है और अपुष्ट खबरों के अनुसार गोली चलने की भी खबर आई है अलग अलग क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि ये जो पारा शिक्षकों का जो मामला था ये बहुत वर्षों से चल रहा था और पारा शिक्षक आस लगाए बैठे थे कि 15 नवंबर के दिन, स्थापना दिवस के दिन में उनके साथ में न्याय होगा और उन्हें स्थायीकरण कर दिया जाएगा या फिर अच्छी खासी सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं देखने को मिला। और हालांकि एक दिन पहले ही अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और जो रसोईया वाले लोग जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब पारा शिक्षकों ने कहा है कि वो अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और बड़ी संख्या में हम तक मैसेज आ रहा है, कई लोगों ने कहा था कि सर जो सही तस्वीर होगा वो दिखाइएगा। रांची में हमारे संवाददाता दिन भर डटे रहे, वहाँ मौके पर हम लोग मौजूद थे और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है ये थोड़ा सा बहुत ये लगता है कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की भी कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन का सेवा लिया, पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज कराया, बहुत सारे पारा शिक्षक घायल हुए हैं, आज राज्य के तमाम विद्यालय में ताला आज से लटक गया है, पूरे राज्य के पारा शिक्षक आज से हड़ताल पर चले गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तब तक रहेंगे जब तक छत्तीसगढ़ बॉर्डर लागू नहीं होगा। पारा शिक्षक अपना काम को छोड़ देंगे, आज से कोई काम आज से नहीं करेंगे। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।